श्री हरिवंश झूलत दो नवल किसो झूलत दो नवल किसो रजनी जनत रंग सुख सोचत रजनी जनत रंग सुख सुचत अंग अंग उठ भोर झूलत दो नवल किसोर अति अनुराग मरे मिल गत अति अनुराग भरे मिल सरम दो नवल किसो बीच बीच प्रीतम चित चोरत बीच बीच प्री प्रियाने ने की कोर झूलत दो नवल किसो अब सुकुमार डरत मन अब सुकुमार डरत मन मर जकोर वर जकोर झूलत दो नवल किशोर पुलक, पुलक पुलक प्रीतम लागत पुलक पुलक

सौ दो झूलत नवल किसो बेपत जूते क्यों बने बेबे चित बेपत जूते क्यों बने बेबेचित आनंद बढ़ो न थरख निरख फूलत ललिता दिक निरख निरख फूलत ललिता दिक बिभिमुख चंद चको भी भी चंद चकोर झूलत दो नवल किशोर दयासी हरि वंश प्रसन्नसित दयासी हरि वंश प्रसन्न सि कर अंचल के छो कर अंचल के छो झूलत दो नवल किसोर झूलत दो नवल सोर। श्री श्रीहरि श्री हरिवंश झूलन हुआ गया रोज झूला झुला रहे थे झूल लीला चलो झूलत दो किशोर सावन का महीना है और दोनों झूला झूलने वाले झूल रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर सखियों ने सुंदर सुंदर झूले बना करके रखे हैं तो कहीं कहीं ऐसे झूले हैं जहाँ सखिया भी हो सकती हैं और सब सब लोग घेर करके इनको देख सकते हैं जब ये झूला झूलते हैं कोई कोई झूला झूला ऐसे हैं जहाँ सखिया नहीं होंगी केवल रति विहार के समय पर उन झूलों पर ये युगल सरकार ये झूलते हैं ठीक है तो ऐसा ही एक झूला रात्रि भर जब इन्होंने शयन किया एक दूसरे के साथ थे सखियां जब नहीं थी तो निवृत निकुंज के पास एक सुंदर सा झूला सजाया था और वहां पर दोनों झूल करके आए हैं और कहते तो वो जो झूलने की जो लीला है वो सखी उसको बता रही है कि रात भर ये एक दूसरे के साथ थे और अब झूल करके आए हैं ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि रजनी जनित रंग सुख सूचत अंग अंग उठी रात्रि भर झूला किए हैं सुबह सो गए थोड़ी देर फिर सुबह उठे हैं सखिया जब उठाने गई हैं तो देखती है इनको आ हा हा रात्रि भर बड़ा आनंद आया है इनको तो सारे सुख के जितनी जो इनको मिला है उनके एक एक अंग में दिखाई दे रहा है प्रातः काल और कहते हैं बीच अति अनुराग भरे मिली सुबह तो उठे करके जब सख्या देख रही है तो चल रहे हैं लोग और प्रेम में इतना प्रेम इनके अंदर उड़ उड़ के आ रहा है कि वो गाने लग जाते हैं प्रिया प्रियतम प्रिया प्रियतम कभी इतने सुंदर से गा रहे हैं गाते गाते राधानी प्रेम से उनको देखती है फिर ये इनको देखते हैं और ये जो प्रेम होता है ये सखियां देखती हैं, तो सब इसके बीच में कहने के लिए तो बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नैन की कोर कि प्रीतम के चित को नैन प्रिया जी की नैन वो चुरा रहे हैं और लेकिन इन दोनों को देख करके ये लोग हमारे दिलों को चुरा रहे हैं ऐसी झांकी यहाँ पर सामने आ जाती है फिर सखियों ने कहा रात्रि भर झूला झूला है अब हमारे साथ तब वहां पर लोग फिर दूसरी जगह झूला झूलने जाते हैं अब झूला झूलने जब जाते हैं तो जो सबसे ऊंची वाली जो झूला है जो सबसे ऊंचा है तो श्याम सुंदर ने कहा हम उस ऊंचे वाले झूले पे जाएंगे अब सखी कह रही है राधा रानी नहीं, नहीं नहीं वो तो बहुत ऊंचा है मुझे डर लगता है तो मैं हूं ना तुम क्यों डर रही हो हाथ पकड़ो मेरा तो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी सखिया हमारे जाओ जाओ श्याम सुंदर संभाल लेंगे श्याम सुंदर धीरे धीरे करना ज्यादा जोर से मत करना हमारी सखी को ठीक है श्याम सुंदर हाथ पकड़ते हैं झूले पे बैठाते हैं सबसे बड़े वाले झूले पे राधा रानी बैठ जाती है अब झूला झूलना शुरू हुआ अब राधा रानी के अंदर में डर लग रहा है झूला जैसे ऊपर जाता है राधा रानी घबरा जाती है थोड़ा और ऊपर और घबराती राधा रानी बोलती है धीरे धीरे करो श्याम सुंदर श्याम सुंदर कह रहे हैं हाँ धीरे करता हूँ ज्यादा जोर से नहीं करूंगा चिंता मत करो और धीरे 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 श्याम सुंदर ऊंचा 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 ले जाते हैं और जब ऊंचा ऊंचा ले जाते हैं राधा नहीं से रहा नहीं जाता है बार बार आकर के श्याम सुंदर को चिपक जाती है जोर से टाइट पकड़ लेती है श्याम सुंदर को और क्या चाहिए <laughs> श्याम सुंदर और जोर से झूला घुमाते हैं ऊंचा ले जाते हैं राधा राधानी कहती है बस बस इतनी जोर से नहीं धीरे धीरे करो धीरे धीरे श्याम सुंदर कहां मानने वाले और सखियों को बड़ा आनंद आ रहा है दोनों को देख करके कि आज तो श्याम सुंदर भी सही झूला झुला रहे हैं अब झूला झूलते जा रहे हैं जोर जोर से हैं। और फिर राधानी को थोड़ा सा गुस्सा आता है राधानी कहती है मत करो मैं कह रही हूं ना मत करो मैं उतर जाऊंगी यहां से अभी कुछ जाऊंगी और जब वो ऐसा कहती है तो श्याम सुंदर उनके हाथों को पकड़ लेते हैं तो कहते हैं अब अति सुकुवारी डरत मन वर हिंडोर झकोर पुलक पुलक प्रीतम उर लागती देनव उरज अकोर दो नवल किशोर जब उबला यहां पर का राधा एकदम घबरा जाती है और कहती बस हो गया अब मैं उतरना जाती हूं मुझे नहीं अब शाम सुंदर उतरने कहाँ देने वाले और थोड़ा सा झपटा झपटी होता है झूले के अंदर उनका जब झपटा झपटी होता है तो क्या होता है अरुजी विमल माल कंकन सो। कुंडल सौ कुछ डोर वे पथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद न थोर झूलत दो नवल किशोर कह जुल रहे हैं कि झूला झूल रहे थे और नहीं घबराई हुई है और तब तक बोलती बस रोको मैं उतरना चाहती हूँ मुझे भी आ नहीं रहना तो उसी के अंदर तब तक भगवान ने जो कपड़े पहने पीले रंग के वो जाकर के ने के कंकड़ में चिड़ी में फंस जाते हैं और कह रहे हैं कुंडल सो डोर और भगवान और करीब आते हैं राधा रानी इनके करीब आई जैसे तो भगवान के कानों का जो कुंडल है उसमें राधा रानी के ब्लाउज का जो है रस्सी वो जाकर के फंस जाते हैं तो भगवान का जो अंचल है वो जाकर के राधा रानी के कुंकण में फंसा हुआ है और रानी के ब्लाउज की जो डोरी है वो भगवान के कानों के कुंडल में फंस गई है अब झूला चले जा रहा है अब झूला ऐसे तेजी से चला जा रहा है उसमें ये निकाले कि ये निकाले कि झूले झूला संभाले क्या है अब भगवान को तो बड़ा आनंद आ रहा है अबला हमारी बेचारी राधा रानी घबराए जा रही है और सखिया यहाँ पर हंसे जा रही है जितना वो निकालने का, का कोशिश भी करे इतना डर लग रहा है कि क्या हो जाएगा पता नहीं तो बस ऐसे अभी फंसे हुए झूला झूल रहे हैं और झूलने में कह रहे हैं कि इतने उलझे इतने उलझे अरे वाह कि उलझना अच्छा ही हो गया क्या हुआ उससे आनंद बढ़ियो न थोर की ये जो उलझा उलझन सुलझाई नहीं जा सकती इस उलझन में लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत अत्यधिक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आनंद बढ़ने लगा निरख निरख फूलत ललिता दिख विभिमुख चंद चकोर और जितना ये झूला जा रहा था आगे पीछे और जितना इनके अः ये फंस रहे थे एक दूसरे के बीच में उसको देख देख करके ललिता आदि सखिया बड़ी आनंद में थी और दोनों के सारी सखिया चकोर सखियों सक, के नेत्र चकोर जैसे बन गए और ये दो चंद्रमा ये दो चंद्रमा झूले पे झूल रहे हैं और सखिया आनंद से केवल इनको निहार रही हैं और दोनों फिर एक दूसरे को देख रहे हैं प्रेम से तो दोनों भी एक दूसरे के लिए चंदा चकोर ऐसे बन गए इतना सुंदर भाव हो गया दोनों प्रसन्न सखिया प्रसन्न पूरा माहौल वृंदावन वृंदावन का प्रसन्न और हरिवंश जी कहते हैं हरिवंश जी ने फिर उनको बहुत आशीर्वाद देने लगे हरिवंश जी अपने आंचल को दिखा दिखा के कि बहुत तुम लोगों को आशीर्वाद तुम लोग ऐसे ही रहो ऐसे ही झूलते रहो ऐसे ही तुम फंसते रहो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना तुम्हारा सब कुछ एक दूसरे के साथ फंस जाए तो ऐसे ही अटके रहो हमें श्यामा शाम तुम अटके हुए अच्छे लगते हो आपस में अटको और आकर के हमारे दिल में अटके रहो हमारे दिल में हमने एक झूला सजाया है इस झूले से कभी तुम उतरना नहीं ये झूले में तुम झूलते रहो ऐसा ये हमारी भावना है लेकिन हरिवंश जी ने हित हरिवंश जी ने अपने सम्मुख आंचल रखा और आंचल के साथ उनको युगल को आशीर्वाद दिया और उनकी प्रशंसा की है